हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने बनाया है मटर मशरूम। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगी। रोटी के साथ खाने में तो ये बहुत मज़े आ जाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है ऑयस्टर मशरूम, ये है 250 ग्राम। मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे हाथों से अच्छे से तोड़ लिया है। हमें टमाटो, अनियन, चिल्ली, गार्लिक, जिंजर, अब इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसे चॉप कर लूँगी। इस चॉपर की मदद से मैंने एक साथ मिक्स करके ही किया है चॉप। ये हो चुकी है। अब टमाटो को भी इसी तरह से चॉप कर लिया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, सारे वेजिटेबल रेडी हो चुके हैं। मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालती हूँ 2 स्पून के करीब ऑयल। मैंने डाला है जीरा 1 स्पून। इसे ब्राउन कलर होने तक छोड़ दें। मैं डाल रही हूँ मटर। मैंने यूज़ किया है फ्रेश हरे मटर। अगर मटर के सीज़न नहीं हो तो आप यूज़ कर सकते हो फ्रोज़न मटर भी। साथ में डाल दिया है मशरूम को। अब इसे अच्छे से चला लेती हूँ और हाई फ्लेम में इसे 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख देती हूँ। फ्रेंड्स, मशरूम में 90% वाटर ही होता है, जिसकी वजह से कुक होने में थोड़े टाइम लग जाते हैं। आप चाहे तो इसके सूप भी बना के पी सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अधिक है। ये हमारे हेल्दी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और हमें प्रोवाइड कराता है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं ऐसे हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ की वीडियो लेके आते रहूँगी। आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, ये मशरूम ने सारे वाटर रिलीज कर लिए हैं और मटर भी कुक हो चुकी है अच्छे से। हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। इसे चला लेते हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ दूसरे प्लेट पे। अब मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें डाल दिया है चॉप्ड किया हुआ अनियन, चिली, गार्लिक को। अब इसे भून लेते हैं। अब मैंने ऐड किया है नमक। हम इसे भी अच्छे से भून लेते हैं तब तक इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं लेती हूँ 1 टेबल स्पून के करीब में हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून लेती हूँ काली मिर्च का पाउडर। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है अपनी सब्जियों में। ऑयल यूज़ करना अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अब मैं डाल देती हूँ टमाटर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चलाते हुए इसे भी भून लेंगे। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख लेती हूँ जब तक कि मसाले ऑयल छोड़ दें। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अब भून चुके हैं हमारे मसाले। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, आप भी हो सके तो कम से कम मसाले और ऑयल यूज़ करें अपनी सब्जियों में। अब मैंने ऐड किया है 1 ग्लास पानी। अब इसे ढक के रख लेते हैं 1 बॉईल आने तक। हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब मैं ऐड कर देती हूँ भुनी हुई मटर और मशरूम को। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरे मसाले में। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है ये। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपके फैमिली में भी सबको बहुत पसंद आएंगी। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ हरा धनिया। इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।